कोई नहीं हाल पूछने वाला। पिता के सर से उठा दो बेटों का साया। या फिर सड़क पर जानवर घायल मिला होता तो खबर बन जाती, लेकिन ताऊते तूफान में पाली जिले के रानी उपखंड के गांव सालरिया में एक पिता के कंधों से अपने दोनों पुत्रों का साया उठ चुका है, लेकिन एक भी नेता जनप्रतिनिधि उनके हालचाल पूछने व आर्थिक मदद को आगे आता नहीं दिख रहा है। चुनावों के समय खोखले वादे करने वाले इन नेताओं के हाल आज लोगों के सामने है। ताऊते तूफान से पाली के सालरिया में दो भाइयों की मौत, लेकिन नहीं पहुंचे नेता न दिखे समाजसेवी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी नहीं पहुंचे कोई नेता। इतनी बड़ी घटना के बाद भी न सरपंच आए, न प्रधान घर तक आए, न मारवाड़ जंक्शन के विधायक पहुंचे। क्या इस गरीब परिवार को मिलेगा मुआवजा? कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। यह था पूरा मामला। जिले के सालरिया गांव निवासी वृद्ध उदाराम मेघवाल के परिवार को ताऊते तूफान जीवन भर का गम दे गया है। मुंबई के समुद्र तट से कुछ दूर जहाज में काम कर रहे उदाराम के दो बेटे, जवान बेटे, ताऊते तूफान में खो गए, जिसमें से एक का शव तो मिल गया, लेकिन दूसरे बेटे की तलाश अभी भी जारी है। दोनों 20 मई को ही घर आने वाले थे। ONCG के लिए बार्ज G-305 जहाज पर नाविक के रूप में पिछले कई सालों से पाली जिले के अमरा राम मेघवाल 40 वर्ष और छोटा भाई पप्पू राम मेघवाल 32 वर्ष मजदूरी का काम कर रहे थे। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान ताऊते में फंसकर जहाज P-305 डूब गया था, जिसमें 216 लोग सवार थे। अब तक 188 लोगों को सही सलामत निकाला जा चुका है। 60 भी रेस्क्यू कर निकाले गए हैं। इसी जहाज पर उदाराम मेघवाल के दोनों बेटे हादसे के समय सवार थे। पप्पू राम का शव रेस्क्यू के दौरान मिल गया, लेकिन हादसे के 84 घंटे बाद भी अमरा राम का शव नहीं मिल सका। वृद्ध उदाराम के कंधों पर आई परिवार की जिम्मेदारी। जानकारी के अनुसार वृद्ध उदाराम के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। ताऊते तूफान के कारण हुए हादसे के बाद परिवार की जिम्मेदारी वृद्ध उदाराम मेघवाल के कंधों पर आ गई है। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन बेटों को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर खिलाया, वे अब उनकी आंखों के सामने कभी नजर नहीं आएंगे। परिवार ने बताया कि हादसे के बाद अमरा राम की पत्नी गौरी देवी और पप्पू राम की पत्नी विद्या देवी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। अमरा राम के अर्जुन 11 वर्ष और भावेश 6 वर्ष दो बेटे हैं। वहीं पप्पू राम के भी हिमांशु 8 वर्ष व कुणाल 3 वर्ष दो बेटे हैं। 20 को आने वाले थे घर। दोनों भाई 20 मई को अपने घर आने वाले थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन 17 मई की देर शाम को ताऊते तूफान के कारण दोनों भाइयों की मौत हो गई। परिवार में खुशी का माहौल गम में बदल गया। देर से मिले शव दोनों भाइयों के शव। आपको बता दें कि उदाराम मेघवाल के दो बेटे अमरा राम उम्र 40 वर्ष व छोटा भाई पप्पू राम मेघवाल उम्र 32 वर्ष ताऊते के तूफान से घिरकर समुद्र में डूब गए थे। इसमें से पप्पू राम का शव 22 मई को मिल गया था। दूसरा बेटा नहीं मिलने के कारण इंतजार किया जा रहा था, जिसका शव मुंबई के JJ अस्पताल में मिला, जिसको लेकर परिजन मंगलवार को राजस्थान के पाली जिले के गांव सालरिया लेकर पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों ने बताया कि पिता के दो ही पुत्र थे, जहां दोनों की मौत हो गई। परिवार में दोनों बेटों के दो दो पुत्र हैं, लेकिन ऐसे हालातों में भी ना तो कोई नेता आया, ना ही आर्थिक मदद मिल रही है। बस घटना भी है, बाद में कोई आपने सरकारी सुविधा मिली है इन दोनों? नहीं, कोई नहीं आया? नहीं। तो सरकारी और भी कोई मुआवजा तरफ आपने मांग करो रही है? रहनी चाहिए सुविधा आपने? रहनी चाहिए, लेकिन तो राजस्थान या MLA साहब है या प्रधान साहब है और या पंचायत समिति सदस्य या सरपंच कोई भी आया था अभी तक मिलन करें? नहीं सर, कोई नहीं आया। नहीं।